हाथी हमेशा सीधी राह चलता है, बीच में बहुत आते हैं ऐसे जो आपको टांग खींचते हैं, पुल करते हैं, बैक करते हैं, तो मत देखो उसकी जगह, अपनी राह की तरफ देखो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, और एक ना एक दिन, और लॉयल्टी से चलो तो हर एक चीज आ जाती है आपके पास। आई एम सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार विच इज कमिंग ऑन 9XM जलवा। गाने को एंजॉय करके गाओ, तो उसमें क्या रहता है कि जब हम खुद एंजॉय करके गाएंगे तो उसमें ऑडियंस को भी मजा आएगा, खुद को भी गाने में मजा आएगा, और हम खुद गाने में ही घुस जाते हैं तो फिर उसमें प्रेशर हमें ऑडियंस का फील नहीं होता है। Hello, hi, good evening sir. Hi, good welcome evening. To the Silsila session. Thank you so much. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much for joining us sir. Yeah, sure. Welcome. बहुत ही talented young artist हैं हमारे जम्मू से, जो कि बहुत प्यारा गाते हैं। तो आर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो आर्ट के साथ एक कनेक्शन होता है हमारा। Yes. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस आर्ट के कनेक्शन के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? मेरे स्कूल में, मैं जब स्कूल टाइम पे था तो वहाँ पे एक सर थे सुमित सर नाम से, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कंपटीशन में एक फोर्स करके, जबरदस्ती करके पुश किया था कि करो। वहाँ से फिर एक शुरू हो गया था कि नहीं ठीक है, इंटरेस्ट आस्ता 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 आस्ता, और फिर वहाँ से अभी मेरे को 8 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो व्हाई नॉट सर, आवाज की ही तारीफ हो रही है और ऑडियंस भी है, क्यों ना आपकी आवाज भी सुनी जाए। श्योर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कभी तुम्हें। दर्शन रावल ने सिंग किया है ये गाना, शेर शाह मूवी से है, बहुत प्यारा गाना है। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा मैं, तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा, हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों को जुल्फें हटा लेना, साफ देखूंगा मैं तुमको वही, जो ना देखो तो बता देना। मेरी जमी को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतजार, एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे है एतबार, मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फे हटा ले, साफ देखूंगा मैं तुमको वही, जो ना देखो तो बता देना। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, अमेजिंग। और ऐसा बीच में लग रहा था कि जैसे दर्शन रावल को ही सुन रहे हैं हम लाइव। अरे नहीं। बहुत खूबसूरत आवाज है सर आपकी, बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आवाज अभी कितने, मतलब कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ कि काफी पसंद कर रहे हैं लोग आपकी आवाज को, तो बहुत ही अमेजिंग है ये। और सर आवाज के बारे में तो हमने आवाज सुन ली आपकी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ हमें और बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बेसिकली मेरा ऐसा रहा है कि मैंने जब 7th क्लास से स्टार्ट किया था तो करते करते, मैंने तो सीखा नहीं था उस टाइम पे, ऐसे ही चल रहा था। देन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं अभी, मतलब मैं उनके साथ 2 साल से टच में हूँ, बट उन्होंने 2 साल में मुझे, मतलब उस लेवल, मेरी आवाज को उस लेवल पे किया है। उनका नाम सुनील शर्मा सर है। सुनील शर्मा छन्नी के हैं। बहुत मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे को ऐसे गुरु मिले हैं जो मेरे को एक बहुत ही अच्छी वो करवा रहे हैं। उनके पास मेरा जाना, मतलब मैं 1 सेकंड के लिए उनके पास बैठूंगा तो मेरे को वो ऐसा संगीत सीखने को मिलता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वहाँ से मैं अभी 2 साल से उनके पास हूँ और आगे भी मैं उन्हीं के साथ चलता रहूँगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और दिन ब दिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरी फैमिली तो है ही है मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो उनका सपोर्ट है बहुत मायने रखता है मेरे लिए, और वो इतना सपोर्ट करते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँगा मेरे लिए कम है, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। और बाकी मेरा शुरू से रहा है कि जो भी है म्यूजिक में, अगर कुछ भी करना है, अपना कोई भी आर्ट है, तो उसको लॉयल्टी से पूरा करना है, पूरा ध्यान लगाकर सीखना है, तो उस चीज से भी काफी फर्क पड़ता है जी। तो सर जैसे हम कोई पैशन जब हम परसू करते हैं या फिर उसे अपना करियर बनाते हैं, हमें बहुत सारी एडवाइसेस, बहुत सारी सलाहें मिलती हैं, लाइक हमारी फैमिली से, फ्रेंड से, मतलब आसपास के लोगों से, या फिर हमारी सेम जो भी हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लाइक आपकी आज तक की कोई ऐसी एडवाइस जो आपको याद रही हो और हेल्पफुल भी रही हो आपके लिए? मुझे मेरे गुरुजी सुनील सर ने, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है शुरू से, जब से मैं मतलब उनसे बचपन में टच में था, स्कूल में आते थे वो, तो तब से मैं को एक ही चीज बोलते आते थे कि हाथी है, हाथी हमेशा सीधी राह चलता है। बीच में बहुत आते हैं ऐसे जो आपको टांग खींचते हैं, पुल करते हैं, बैक करते हैं, तो मत देखो उसकी जगह, अपनी राह की तरफ देखो और रियाज करो सुबह शाम, आधा आधा घंटा दो, काफी है। बट है कि अपनी मंजिल की तरफ देखो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, और एक ना एक दिन, और लॉयल्टी से चलो तो हर एक चीज आ जाती है आपके पास। That's great, that's amazing. तो सर जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, तो आपने कहीं ऑनलाइन या ओपन माइक्स या फिर स्टेज परफॉर्मेंस भी दी होंगी? मैंने काफी बार ट्राई किया है, बचपन में ट्राई किया है, इंडियन आइडल का मैंने दिया था, सारेगामापा का दिया था, बट स्टिल आई एम सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार विच इज कमिंग ऑन 9XM जलवा। आई एम इन दैट, मैं टीवी राउंड में हूँ अभी सिलेक्टेड। मुझे एमपी का मतलब ऐसा आया है कि एमपी अभी आना है, अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है, जैसे डेट्स आएंगी तो मुझे एमपी के लिए भी जाना है वहाँ पे, टीवी राउंड के लिए। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो इतनी सारी परफॉर्मेंस जब आप करते हैं, तो कभी परफॉर्मेंस प्रेशर होता है आपको? मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे स्टेज फोबिया था बहुत ज्यादा, मतलब मैं इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए ऑडियंस के साथ। बट आस्ता आस्ता मेरे गुरुजी ने मेरे को चांस दिया स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, करते 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 आस्ता आस्ता वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई, अब तो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मैंने बाकी इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता था। बट अब के टाइम पे उनकी वजह से जो भी हूँ मैं, उन्हीं की वजह से हूँ। ओके, सो मैं अगर पूछूँ कि वो जो प्रेशर था आपने किस तरह से हैंडल किया? देखिए प्रेशर ऐसा रहता है कि जब हम गाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ है उसको हैंडल करने के लिए आंखें बंद कर लो और गाने को एंजॉय करके गाओ। तो उसमें क्या रहता है कि जब हम खुद एंजॉय करके गाएंगे तो उसमें ऑडियंस को भी मज़ा आएगा, खुद को भी गाने में मज़ा आएगा, और हम खुद गाने में ही घुस जाते हैं तो फिर उसमें प्रेशर हमें ऑडियंस का फील नहीं होता है। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो सर जाहिर सी बात है कि आप अब इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं, बहुत सारे गाने बन रहे हैं, कॉम्पोजिशंस बन रही हैं। हाँ जी। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं या किसके साथ फ्यूचर में काम करना चाहते हैं? बेसिकली स्टार्टिंग से जब से मैं सुनता आ रहा हूँ और म्यूजिक में हूँ, मैं शुरू से अरिजीत सिंह को सुनता आ रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, तो शुरू से उनको सुनता भी आ रहा हूँ और चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर मैं किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाता हूँ तो उनके साथ जरूर काम करूँगा। ओके, तो अरिजीत सिंह की बात की है आपने, और अरिजीत सिंह की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनका कोई गाना ना सुने आपसे। जरूर। तो एक कोई गाना अगर आप के लिए सुना दें। मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है खैरियत, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, मैं वो सुनाता हूँ आपको। तुम्हारी तस्वीर के सारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहती हो हर पल मंजर में तुम हमारे, गर इश्क से क्या गिला, इस दर्द में क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, अमेजिंग सर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गाते हैं आप। अब जिस तरह से हमारी अभी बात हुई इसको परफॉर्मेंस प्रेशर को लेके, तो उसके साथ साथ ही कुछ हार्डशिप्स भी होती हैं आर्टिस्ट की अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगिंग की जो फील्ड है उसमें किस तरह की हार्डशिप्स आपको देखने को मिलती है? बेसिकली आजकल के टाइम पे बहुत कंपटीशन है, हमें उस कंपटीशन के साथ तो चलना ही होता है, बट मेन होता है कि हमें सबसे मेन चीज़ है कि हार्डशिप तो हर जगह पे होती है। आप अपना बेस्ट दीजिए जो अपने से हो सकता है, और जितनी मेहनत हम करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। तो हार्डशिप तो आजकल के टाइम पे हर ही जगह पे है, तो अगर हम उस चीज़ को हार्डशिप को देखकर चलेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि मेहनत करी चलो और आस्ता आस्ता जो रिजल्ट मिलना होगा टाइम के साथ साथ खुद ही मिल जाएगा, मेहनत के अकॉर्डिंगली। Exactly, that's great. So, सर ये तो रही हमारी हार्डशिप्स की बात। अगर मैं ये पूछूं अब कि सिंगिंग की बात हमने बहुत सारी कर ली आपसे, सिंगिंग के अलावा आपकी क्या इंटरेस्ट हैं और क्या हॉबीज हैं या क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं स्टूडेंट भी हूँ और हमारा फैमिली बिजनेस भी है, तो मैं उधर भी इंडल्ज्ड हूँ। तो हमारा लेडी सूट्स का शॉप है, तो मैं वहाँ पर भी रहता हूँ पापा के साथ, और फिर बाकी तो अपना म्यूज़िक तो बचपन से चलता ही आ रहा है। तो जब टाइम मतलब दिन में मैं 2 या 3 घंटे ट्यूशन म्यूज़िक ट्यूशन्स के लिए जहाँ पे जाता हूँ सीखने के लिए गुरुजी के पास, शाम को उनके लिए टाइम निकालता हूँ, और बाकी पूरा दिन शॉप पे, और शाम को और सुबह के टाइम पे आधा घंटा वहाँ घर पे आके रियाज। दैट्स इट। ओके, That's very great. तो सर इसमें इन दोनों चीजों में बैलेंस करना कितना मुश्किल रहता है आपके लिए? अभी तो ये कम है, बीच में I joined martial art classes too, जिसकी वजह से मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे एक तरफ से अपना बिजनेस भी देखना था, शॉप पे भी ध्यान देना था, एक तरफ से म्यूजिक पे भी और एक तरफ से मार्शल आर्ट में भी। फिर मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मार्शल आर्ट छोड़ा है, तो मतलब क्योंकि पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव है मेरे। और मैं सच बताऊं तो आई एम वेरी लकी टू हैव माय मदर एंड फादर, और उनके साथ साथ मुझे गुरुजी ऐसे मिले जो ये तीनों मेरे को ऐसे एक मतलब उसमें रखते हैं, माहौल में रखते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो इनका मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ में इन तीनों का रोल रहता है, तो वो माहौल ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि मेरे को बहुत ईजी हो जाता है हर एक चीज़ को मैनेज करना। ओके, तो ये रही आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट की बात। तो उसमें आपने मार्शल आर्ट्स भी स्टार्ट किए थे, वो भी सीखा। तो और आपको क्या लगता है कि अगर एक कोई सिंगिंग करता है या कोई सिंगर है, क्या स्किल्स उसकी सिंगिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, या आपने ऐसे कोई स्किल्स? सिंगिंग में सबसे बड़ी एक ही चीज होती है कि सारेगामा पाधानीसा सरगम जो रहती है उस पर रियाज करना है, दैट्स इट। और म्यूजिक की फील्ड में इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सबसे बेसिक और सबसे इजी चीज ही यही है, सारे सा रे गा मा पा धा नी सा, इस पे रियाज करेंगे तो वो एक जो हमारे वोकल कॉर्ड्स रहते हैं वो खुल जाते हैं, काफी इजी रहता है हर एक चीज को। मतलब एक हमारे वोकल कॉर्ड्स दिन ब दिन रियाज से परफेक्ट होते जाते हैं, हमारी सिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है। वोकल्स जो होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, सूद हो जाते हैं, काफी वो चीज़ रहती है। और बाकी तो यही रहता है कि जितना हम रियाज करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट रहता है। ओके, तो अब जैसे हम मतलब एक नॉर्मल कोई आर्टिस्ट ना भी हो अगर, तो हर किसी का एक फेवरेट सॉन्ग रहता है जो हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, चाहे कुछ अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हम वो गाना सुनते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। तो उस तरह से आपका भी कोई फेवरेट सॉन्ग होगा जो आप सुनते होंगे, मतलब ज्यादा बार सुनते होंगे या गाते होंगे, तो वो कौन सा रहेगा? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? आप क्या बोल रहे थे आप? जी, हम बात कर रहे थे फेवरेट सॉन्ग की, कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मैं सही बोलूं तो मेरे अरिजीत सिंह के रिलेटेड मेरे काफी फेवरेट सॉन्ग है, बट एक सॉन्ग है जो मैंने अभी रिसेंटली खुद लॉन्च भी किया है। मैं चाहता हूँ कि वो मैं एक बार ऑडियंस को सुनाऊं। आरजू नाम से वो गाना रहेगा, तो काफी प्यारा सॉन्ग। हेलो, या यस यस, नाउ ऑडिबल। हमारा एक अभी द फॉलन स्ट्रेंजर्स नाम से एक बैंड बना है, जिसमें मैं भावन काफी क्लोज फ्रेंड है, एंड धनेंद्र कुमार जी, हम तीनों का बैंड है, जिसमें धनेंद्र और साथ में हमारे साथ जो हमारे बाकी को पार्टनर्स हैं, जैसे आर्यन वासुहंस, जिसने बहुत ही प्यारे लिरिक्स लिखे हैं, मेरे वो भी मेरा बैंड मेंबर ही है, उसने आरजू के काफी प्यारे लिरिक्स लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी गाना यहाँ पर सुनाऊं। और वो मेरा ऐसे तो अरिजीत सिंह के काफी फेवरेट सॉन्ग है, बट ये मेरा पहला सॉन्ग है जो मैंने लॉन्च किया है, और ये मेरा फेवरेट, दिल के काफी करीब है। ओके, गुमशुदा मैं तेरे प्यार में, ख्वाबों ख्यालों में तेरे साथ हूँ, चाह कर भी तुझे बुला ना सका, तुझसे खत्म तुझ पे शुरू, तू ही तो है मेरी आरज़ू। ओ हो क्या करूं तू ही तो है मेरी आरज़ू, क्या करूं तू ही तो है मेरी। हाँ, दिल चाहे ये समा रुक जाए, तुझे खोने का जो डर है, साथ मेरे फिर तू चलते, प्यार का ये सफर है बस मेरी आखिरी आस तुम, तुझ पे खत्म तुझ पे शुरू, तू ही तो है मेरी आरज़ू। That's it. Amazing, amazing. रिदम सर, आपकी आवाज इतनी प्यारी है, ऐसे जब आप गाना शुरू करते हैं बस लगता है कि अगला क्वेश्चन ना पूछूं, गाना ही सुन लूं आपसे। और ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही है आपके सॉन्ग्स को। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी सिंगिंग आपने हमें सुनाई है, बहुत सारी जर्नी के आप हमें बताया है अपनी जर्नी के बारे में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड में जितनी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो लोग आपको देखेंगे इस इंस्टा लाइव सेशन से, देख भी रहे हैं, तो उन सारे आर्टिस्ट को आपका क्या मैसेज रहेगा? इस फील्ड में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी कुछ औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ कुछ सलाह दे सकूं, बट हाँ, जितना मैंने सीखा है मेरे गुरुजी से, जो मैंने सीखा है और जितना मैंने मम्मा पापा के गुरुजी के उधर आशीर्वाद से सीखा है, एक ही चीज़ बोलूँगा, मेहनत करो, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो, क्योंकि वही मेहनत है जो आगे आपके आगे बढ़ के आपको वो एक देगी, आपको एक लेवल पे पहुंचाएगी। बाकी लाइफ में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको लोग पुल बैक करते हैं, आपको, जैसे मेरे साथ एक ऐसा, मतलब काफ़ी बार हो चुका है, मेरे को काफ़ी लोगों ने ऐसा पुल बैक करने का बहुत ट्राई किया है, इवन दो मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ, उन्होंने मेरे बारे में बहुत ऐसा बातें की यार नहीं गा पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बट ध्यान नहीं देना होता है हमें उनकी तरफ। हमें सिर्फ देखने की हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हमें वो लॉयल्टी से, एक अच्छे से दिल से उस चीज़ को फॉलो करना है, ताकि इन फ्यूचर हमें वो अच्छा रिजल्ट मिले उसका। और शायद ही मुझे लगता है कि हमें रिजल्ट को भी नहीं देखना चाहिए, हमें बस अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहिए, दैट्स इट। Yeah, that's great, sir. और जितना हम दूसरे आर्टिस्ट को भी हम करेंगे ना कि हाँ, चाहे वो हमसे अच्छा है, बड़ा सीनियर है, जूनियर है या नहीं अच्छा गाते हैं, हमें उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें हर एक चीज को रिस्पेक्ट देना चाहिए। म्यूजिक इज नॉट दिस थिंग कि हमें गाना है या कोई आवाज है, म्यूजिक इज द फील, इज द एवरीथिंग इज म्यूजिक। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं उससे भी हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स ग्रैब होती हैं, कुछ सीखने को मिलता है। म्यूजिक इज दैट थिंग जो मेरे गुरुजी मुझे सिखाते हैं, अच्छा करो, वो भी एक म्यूजिक का पार्ट है। किसी को बुरा मत करो, अब बुरा करेंगे तो वो अपने से कुछ मतलब सर सिखाते हैं ऐसा मुझे कि लक्ष्मी सरस्वती माता हमसे फिर संगीत खींच लेते हैं, तो हम दिल से अच्छा करो। Yeah, that's great. So, आपके थ्रू मुझे लगता है कि आपके गुरु जो आपको सिखाते हैं वो मैसेज भी लोगों तक पहुंच गया है। So, बहुत बहुत शुक्रिया रिदम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतने गाने सुनाए, अपनी जर्नी के बारे में बताया। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन। थैंक यू। ओके, वेलकम।